एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनन्या वालिया और मेरे चैनल का नाम है वन गर्ल हर जर्नी। ये है रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो। रक्षाबंधन से पहले ऑफ कोर्स मैं ये अपलोड कर चुकी होंगी जब आप ये देख रहे हो, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द फेस्टिवल कि आप कौन से आउटफिट्स ऑर्डर कर सकते हो दैट टू टोटल बजट फ्रेंडली फ्रॉम मिंत्रा। सो बहुत ही अच्छा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए और रक्षाबंधन आने तक आप इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हो। आई एम श्योर टाइम पे आ जाएगा बिकॉज मिंत्रा की डिलीवरी इज क्वाइट फास्ट, तो आपको आराम से मिल जाएंगी आपकी बजट फ्रेंडली कुर्तीज़ और आपके आउटफिट्स फॉर दिस रक्षाबंधन। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो और मैं आपको दिखाती हूँ सारे के सारे आउटफिट्स। दिस इज द फर्स्ट कुर्ती। मैं सबसे स्टाइलिश कुर्ती से सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ इस हॉल में। ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट कुर्ती है पूरे के पूरे हॉल में से, क्योंकि दिस इज़ इंडो वेस्टर्न स्टाइल। मैंने एक ऐसी कुर्ती रखी बिकॉज 499 की रेंज के अंदर मुझे ये इतनी स्टाइलिश कुर्ती मिल रही थी। आपको पूरा आउटफिट यहाँ पे दिखेगा। यूजुअली ऐसी स्टाइलिश कुर्तीज इतने सस्ते में मिलना इजी नहीं होता है, दैट इज़ व्हाई आई थॉट कि ये वाली तो रखनी ही रखनी चाहिए। एंड ज़रूरी नहीं है कि सबका मन हो कि वो प्रॉपर एथनिक वे में रेडी हो, सो उनके लिए ये कुर्ती बहुत अच्छी है। दिस इज़ जस्ट वन शोल्डर कुर्ती एंड मैंने इसे स्टाइल भी जीन्स के साथ किया है ताकि वो इसका इंडो वेस्टर्न लुक मेंटेन रहे। देन मैंने इसके साथ ये इयररिंग्स पहन लिए सिल्वर और ये बैंगल्स। सो ऑल ओवर बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, ये जो मिक्स फ्यूजन लुक आ रहा है इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल का। और इस कुर्ती का ये प्रिंट भी बहुत अच्छा है। सो ऑल ओवर मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कुर्ती। ये है विमेन ग्रीन एंड येलो एथनिक प्रिंटेड वन शोल्डर कुर्ता और ये मुझे मिला सिर्फ 492 में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सब बहुत ही बजट फ्रेंडली आउटफिट्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। ये है हमारा अगला आउटफिट, लेकिन इस आउटफिट के बारे में जानने से पहले मैं आपको लेके जाऊँगी बिल्कुल इस वीडियो के स्टार्ट होने से भी पहले वाली क्लिप में, जब मैंने मेकअप नहीं किया था पूरा एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग आउट दिस न्यू आईलाइनर दैट आई हैव बीन यूजिंग रिसेंटली, जो कि मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में। सो मे बी रक्षाबंधन के आउटफिट्स के साथ साथ आपको एक अच्छा आईलाइनर का भी रिकमेंडेशन मिल जाएगा। सो पहले वो क्लिप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये नो मेकअप फेस, क्योंकि मैं ये शूट करने के पहले आपको ये आईलाइनर ट्राई करके दिखाने वाली हूँ एज आई हैव अ लॉट ऑफ शूट्स टू डू। सो इस वीडियो में मैंने ये लाइनर नहीं अप्लाई किया है, मुझे नहीं करना था, दैट इज वाई मैं पहले से आपको लगा करके दिखा रही हूँ। दिस इज न्यू मामा अर्थ का सूदिंग वाटर प्रूफ आईलाइनर विद आलमंड एंड कैस्टर ऑयल। यस, इसमें कैस्टर ऑयल भी है और आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज दिस, क्योंकि मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसका ये शेड है 01 मैट ब्लैक। हियर इट इज़। यू गाइज नो हाउ एक्साइटेड आई एम ऑलवेज टू ट्राई आउट मामा अर्थ के प्रोडक्ट। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, मैं इसको लगा के दिखाऊंगी। एंड एज यू ऑल नो कि मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल, दैट इज ऑल नेचुरल, विच इज़ वाई आई लव इट सो मच। आई एम गोइंग टू अप्लाई, प्लीज़। मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ आईलाइनर लगाने में, सो स्पेयर मी। हियर वी गो। इसका ना जो फिनिश होता है वो एकदम मैट फिनिश होता है। यप, वी आर ऑलमोस्ट डन। ये एक ही स्ट्रोक में काफ़ी अच्छा लग जाता है और इट ऑल्सो ड्राई आउट क्वाइट क्विकली, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे ड्राई आउट होने में। अदर देन दैट, क्योंकि इसमें कैस्टर ऑयल है सो इट गिव्स काइंड ऑफ अ सूदिंग इफेक्ट। और आप देख सकते हो कि इंस्टेंटली ये ऑलरेडी ड्राई आउट हो चुका है, नो स्मज और हाथ पे भी नहीं लग रहा है। आप इसमें के जाकर के और भी इस रेंज के प्रोडक्ट्स देख सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको 20% ऑफ मिल सकता है ऑन एनी प्रोडक्ट ऑफ मामा अर्थ बाय यूजिंग माय कोड, दैट इज़ अनन्या 2022। ये कोड अवेलेबल होगा ऑन मामा अर्थ की वेबसाइट एंड ऐप। यस, मामा अर्थ का अपना खुद का ऐप भी है, बोथ फॉर iOS एंड Android। उसके अलावा आपको मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं ऑन Amazon, नाइका, पर्पल। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है, विच इज़ वाई दे रिसाइकिल मोर प्लास्टिक
than they use. They now recycle 240 metric tons of plastic every month और 1 metric ton होता है 1000 kgs. They also link your every order on the website to a tree that they plant. They are aiming to plant 1 million trees by 2025 as a part of their initiative. So इतनी सारी goodness के साथ I'm sure आपको भी ये product पसंद आएंगे. Do let me know if you use these products and don't forget to use my code. Now let's get back to the video. I hope आपको मेरा ये makeup का एक छोटा सा recommendation अच्छा लगा हो और अब आपने वो देख ही लिया है तो let's come back to this video. ये बहुत ही ज़्यादा classy कुर्ती है. इसका नाम है women purple printed A line कुर्ता. This is A line. वो सब कुछ आपको इधर दिख जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ. ये 495 की मुझे पड़ी एंड 495 में ये मुझे मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग सा लगा कि भाई इतनी अच्छी इतना अच्छा कुर्ता मिल रहा है. बिकॉज इस कुर्ता को पहन के ऐसा मतलब बिल्कुल भी वाइब नहीं आती है कि ये कोई नॉर्मल सा सस्ता सा कुर्ता होगा. ये अपने आप में एक हैवी वाइब देता है. फेस्टिव वेयर के लिए परफेक्ट. एक तो इसका जो कलर है, जो ये बहुत ही सिंपल सा प्रिंट है बट इट लुक्स बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट. ये जो प्रिंट है मैं इसकी बात कर रही हूँ. देन इसका जो नीचे का शेप है, जो कट है, दैट इज़ द मेन अट्रैक्शन. ये ए लाइन है एज यू ऑलरेडी नो. दोनों साइड से ये पूरा फ्लोर लेंथ तक है कुर्ता. हाँ जी, ये पूरा फ्लोर लेंथ तक है इस रेट में. और बीच से इट हैज़ अ कट जो कि आपने अंदर से जो भी नीचे पहना हुआ है, जैसे कि मैंने गोल्डन वो पैंट्स पहने हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसके नीचे से कोई लॉन्ग स्कर्ट एथनिक या कुछ ऐसा भी पहन सकते हो, वो सामने से दिखाई देगा. एंड इट ऑल्सो लुक्स समथिंग डिफरेंट नॉर्मल ए लाइन लॉन्ग फ्लोर लेंथ तक के कुर्ता में, कि ऐसा कोई कट दे दिया गया है. तो आफ्टर वियरिंग दिस कुर्ता मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि और किसी भी तरीके की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हैवी ज्वेलरी या कुछ भी. मतलब आप अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हो बट मुझे अपने आप में ये बहुत ही इनफ लगा पहनने के बाद. मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज दिस कुर्ता जो कि है विमेन नेवी ब्लू एंड गोल्ड टोन्ड एथनिक प्रिंटेड कुर्ता. मुझे इस कुर्ता के बारे में सबसे प्यारी चीज़ ये लगती है कि इसका जो ये स्टाइल है ना, यहाँ से द होल गोल्ड का वो प्रिंट इट हैज़, ये बिल्कुल ऐसे वो माला वाली वाइब देता है. वो जो प्रॉपर ह्यूज महाराजा और महारानी वाली जो मालाएं होती थी ना, उस तरीके का इसका प्रिंट है. एंड यहाँ इस पूरे प्रिंट की वजह से ही इस पूरी कुर्ता का लुक आता है बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही एलिगेंट सा. इसमें बाकी जगह तो लाइक बेसिक प्रिंट्स ही हैं बट दिस जस्ट वन प्रिंट इज़ समथिंग विच अट्रैक्टेड मी द मोस्ट. एंड आई थिंक आपको भी बहुत पसंद आएगा. ऐसे पूरा स्टाइल करने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है. एंड आई फील कि इस तरीके की कुर्ताज आर परफेक्ट फॉर अ फेस्टिवल लाइक रक्षाबंधन. काफ़ी लोग पसंद करते हैं इस तरीके के कुर्ता पहनना. ये अगला कुर्ता है विमेन कोरल पिंक एंड गोल्डन एथनिक प्रिंटेड प्योर कॉटन कुर्ता. आई गॉट इट फॉर जस्ट 439 rupees. एंड अदर देन जस्ट द कलर जो कि आपको बहुत ही पॉप्यूलर अलग सा दिखाई दे रहा होगा इस कुर्ती का, आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट ये वाला कुर्ता इज़ दैट कि जैसे बाकी कुर्तीज का जो लेंथ जा रहा था वो नी से नीचे तक जा रहा था. दे आर नॉट ऑल लॉन्ग बट दे आर नॉट एज शॉर्ट, मतलब नी से ऊपर भी नहीं है. बट ये वाली जो कुर्ती है दिस इज़ डिफरेंट. इसमें बाकी कुर्तीज़ की तरह वो साइड स्लिट भी नहीं है जैसे कि नॉर्मल कुर्तीज़ में होता है साइड से. ऑल्सो ये ऐसे बीच का साइज है, ये मेरे नी तक आ रहा है, ना ही बहुत लॉन्ग है ना ही बहुत शॉर्ट है. सो ऐसा कुछ अगर आपको चाहिए हो तो उस तरीके का कुर्ता है ये. देन दिस कलर जो पीचिश पिंक सा कलर है इसका, वो भी काफ़ी अलग है. और इस पर ये प्रिंट है, साइड्स में ये गोटा पट्टी वाला वर्क है. ये कुर्ती है तो बेसिक मगर पहन के काफ़ी अच्छी लगती है.
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट आउटफिट पे। दिस नेक्स्ट कुर्ता इज विमेन ऑलिव ग्रीन सॉलिड कुर्ता और ये भी मुझे 499 का ही मिला। अब इस कुर्ता की सबसे खास बात ये है कि इसका जो ये फैब्रिक है ये बहुत ही ऐसे शिमर सा फैब्रिक है, बहुत ही प्यारा सा शिमर देता है, नॉट दैट टिपिकल काइंड ऑफ सीक्वेंस वाला शिमर या जिस पे कुछ लगा हुआ हो। इसका क्लॉथ ही कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी अच्छा रेडिएट करता है लाइट से, और आप देख सकते हो कि कैसे मेरे घूमने पे ये पूरे में शाइन दे रहा है। इट लुक्स ब्यूटिफुल एंड इसको बहुत ही वर्सेटाइल तरीक़ों से स्टाइल किया जा सकता है बिकॉज़ ये प्लेन है। तो अगर आप ऐसा कोई कुर्ता लोगे तो आपके काफ़ी काम आ जाएगा। ये डिफरेंट भी है, आप इसे किसी भी हैवी चीज़ के साथ स्टाइल करके हैवी बना सकते हो पूरे लुक को, और सिर्फ इसे किसी नॉर्मल लेगिंग या किसी चीज़ के साथ पहन करके बेसिक वेयर में भी पहन सकते हो। सो बहुत ही मल्टीपर्पज़ होगा ये कुर्ता। देन द होल वाइब ऑफ दिस कुर्ता इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल एथनिक वाइब। ये ना इंडो वेस्टर्न में आ रहा है और टिपिकल एथनिक में आ भी जाएगा, मगर इसे पहनोगे अगर आप फेस्टिव टाइम में तो आप काफ़ी मिनिमलिस्टिक एथनिक वेयर में लगोगे जिसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। अगर आपको प्रिंट्स या कोई बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयड्रीज ना पसंद हो तो दिस कुर्ता इज़ फॉर यू। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये थे सारे के सारे आउटफिट्स जो कि मुझे आपको दिखाने थे इस वीडियो में। फॉर रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वन गर्ल जर्नी। अगर आप इनमें से कोई भी कुर्ता पहनो, मेरे बताए हुए कुर्ताज में से कुछ भी आप चूज करते हो या ऑर्डर करते हो तो, नॉट जस्ट फॉर रक्षाबंधन बट अदरवाइज ऑल्सो। बाय द वे सारे कुर्ताज के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो यू कैन गो डायरेक्टली एंड परचेज। इसके अलावा लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक्ड इट, लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक्ड इट या फॉर YouTube एल्गोरिथम। शेयर करिए इसे सबके साथ में क्योंकि रक्षाबंधन पे सबको रिकमेंडेशन चाहिए होगा। एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को प्लीज़, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड ईच टाइम आई पोस्ट अ वीडियो। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।